दोस्तों वर्ल्ड कप के मैचेस तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम पीछे रह रही है, या फिर क्या कुछ हो रहा है, इन सारी चीजों को तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे। लेकिन कभी ना कभी आप लोगों ने मैच के दौरान एक ऐसा कैमरा देखा होगा जो कि ग्राउंड के कभी किसी पॉइंट के ऊपर लटक रहा होता है तो कभी किसी पॉइंट के ऊपर लटक रहा होता है, या फिर अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे एंगल से आप लोगों को वीडियो दिखाई जाती हैं जहां पर हमें लगता है कि वो ड्रोन शॉट है, लेकिन वो एक्चुअल में ड्रोन शॉट नहीं होते, बल्कि वहां पर स्पाइडर कैमरा को यूज किया जाता है। स्पाइडर कैमरा क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके के साथ ये काम करता है, इसका सिग्नल, इसका ट्रांसमिशन वगैरह कैसे होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी स्पाइडर कैमरा के सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि स्पोर्ट्स के अंदर स्पाइडर कैमरा को कैसे यूज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम here and you are watching MT video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि स्पाइडर कैमरा क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दो या तीन हिस्सों के अंदर बात करेंगे, स्पाइडर कैमरा होता क्या है, इसका मकसद क्या है, और इसको जो है कैसे ऑपरेट किया जाता है, और इसकी सिग्नल और ट्रांसमिशन वगैरह वो कैसे होती है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और नीचे दिया हुआ बटन जो सब्सक्राइब का है उसको भी आप लोग दबाकर सब्सक्रिप्शन भी कर लीजिए इस चैनल के ऊपर, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वगैरह वीडियो डालता रहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस कैमरा के बारे में। तो ये जो कैमरा है इसको पहले स्काई कैम के नाम से स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता था, उसके बाद फिर अब ये स्पाइडर कैमरा के नाम से स्पोर्ट के अंदर यूज होता है। बेसिकली ये कैमरा जो है उन एंगल से वीडियोस को शूट करने के लिए बनाया जाता है, सॉरी इसको जो है वो लटकाया जाता है ग्राउंड के अंदर, ताकि जिस जगह पर आप ग्राउंड के अंदर कैमरा नहीं लेकर आ सकते, फॉर एग्जांपल बॉल चल रहा है वहां पर, फील्डिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो आप ग्राउंड के अंदर कोई भी कैमरा सेटअप नहीं लगा सकते, आपको दूर दूर कैमरा सेट करके फिर आपको जूम लेंसेज लगाकर उनके साथ काम चलाना पड़ता था। और जब आप लोग ग्राउंड के ऊपर या ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड की छत के ऊपर आप लोग कैमरा लगा सकते हैं, तो वहां पर होता यह था कि आप लोग जो है पर्टिकुलर एंगल के ऊपर टीवी के ऊपर वीडियो को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडर कैमरा के साथ होता यह है कि आप लोग पूरे ग्राउंड को जो है कवर कर सकते हैं, और डिफरेंट एंगल से, ऊपर से, इस तरफ से जहां से चाहें उससे जो आप शॉट ले सकते हैं और फिर आप लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस काम के लिए बनाया गया है कि आप लोग, इसके पीछे जो है एक पायलट होता है जो इस कैमरा को जो है वो चलाता है, दो पायलट होते हैं, जो कि एक पायलट जो है कैमरा को इस कंट्रोल करता है, दूसरा पायलट जो है उस सेटअप को कंट्रोल करता है। अब ये दोनों अलग अलग चीजें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो बात यह है कि स्पाइडर कैमरा का जो काम है वो आप लोगों ने समझ लिया है कि जहां पर इंसान जो है कैमरा लेकर नहीं जा सकता, या फिर चलते हुए मैच के अंदर आप लोग ऊपर ड्रोन नहीं उड़ा सकते ऊपर से फुटेज लेने के लिए, तो वहां पर ये स्पाइडर कैमरा जो है काम में आता है। अब ये जो है काम कैसे करता है, तो बेसिकली जो है ये सेटअप होता है, एक स्पाइडर सेटअप होता है, उसके अंदर आप कोई सा भी कैमरा डाल सकते हैं। स्पाइडर कैम ऐसा नहीं है कि एक उसके अंदर फिक्स कैमरा है और फिर पूरा सेटअप है फिर आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो अलग चीजें हैं। आप लोगों के पास एक स्पाइडर सेटअप है, आप लोगों ने ग्राउंड के अंदर वो सेटअप जो है उसको सेट कर लिया है, उसके बाद आप नीचे इसके अंदर कोई भी कैमरा जो एडजस्ट कर सकते हैं जो कि इसके मुताबिक रखता हो, फॉर एग्जांपल आप रेड हाइड्रोजन इसके अंदर डाल दे, या फिर नाइकॉन या फिर कैनन, कोई भी किसी भी किस्म का जो कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे लेंसेज को सपोर्ट करता हो, जो आपको लगे कि ये अच्छी क्वालिटी हमें दे सकता है, वो कैमरा आप सेटअप के अंदर डाल सकते हैं। बेसिकली आपका जो स्पाइडर कैम है ये वो स्पाइडर वाला स्पाइडर आपका सेटअप है जिसके अंदर ये कैमरा कोई भी आप लोग सेट कर सकते हैं। तो अब ये जो है काम कैसे करता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दो पायलट होते हैं कैमरा को, यानी कि वीडियोग्राफर होता है जो कि वीडियो की क्वालिटी को, जूम को, ये वो कंट्रोल करता है, और दूसरा एक जो स्पाइडर सेटअप को जो है कंट्रोल करता है, किस एंगल पर लेके जाना है, कहां पर लेकर जाना है, ग्राउंड के अंदर कहां पर लेकर आना है, पिच के ऊपर लेकर जाना, फिर उसको जल्दी से उठाना है ताकि किसी चीज के अंदर ये जो है रुकावट पैदा ना करे। तो होता यह है कि ये कैमरा जो है ग्राउंड के बीचों बीच चार जो है रस्सियों के साथ लटकाया जाता है। अब ये जो है ये आम रस्सी नहीं होती, बल्कि ये केवलार की बनी होती है जो कि बहुत ही बारीक होती है, तकरीबन आधा सेंटीमीटर के आसपास की जो है मोटाई होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि उस 30 से 35 40 किलो के उस पूरे सेटअप को, स्पाइडर सेटअप को, उसके अंदर जो बड़ा कैमरा लगा है, उसके अंदर लेंसेज लगे हैं, उसके अंदर जायरोस्कोपिक वहां पर जो स्टेबलाइजेशन और सिस्टम लगा हुआ है उसको ये उठाने के काबिल होती हैं। अब ये जो चार रस्सियां हैं इनको अगर फॉर एग्जांपल यहां पर कैमरा आपको लटक रहा है
फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि ये जो है ये स्पाइडर कैम का सेटअप है। अब अगर आपने इस तरफ इसको लेकर जाना है तो ये दो रस्सियां जो है इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और ये दो रस्सियां जो है नीचे मोटर से लगी होती हैं वो रोल होती जाएंगी और ये इस तरफ को होता जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि ये पूरा सेटअप चार रस्सियों की मदद से ग्राउंड में लटकाया जाता है, उनके पीछे चार अलग अलग किस्म की मोटर्स यानी कि चार मोटर लगी होती हैं और उसको जो है जो ग्राउंड का हाइएस्ट पॉइंट होता है उन रस्सियों के ऊपर वहां पर पुली डालकर और नीचे जो है उनका पूरा सेटअप जो लगाया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े जो स्टेडियम्स हैं वहां पर जो उनकी छत को काम में लिया जाता है पुली लगाने के लिए, एक वहां पर एक उस कोने पर दो इस कोने पर, लेकिन जहां पर जो छत थोड़ी सी नीचे होती है वहां पर जो फ्लड लाइट होती है उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर वो भी सही तरह से मैनेज नहीं है या फिर उनका एंगल सही नहीं आ रहा जो कि स्पाइडर कैम के सेटअप को चलाने के लिए काम में आ सके, तो उसके बाद जो है वो स्पाइडर कैम की जो टीम होती है वो खुद से पोल लगाती है और उनके साथ फिर पुली लगाई जाती है और फिर वहां से जो रोप है वो स्पाइडर कैम तक आती है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा सेटअप जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से एक काम करता है, चार रोप होती हैं जो कि उस पूरे सेटअप को ग्राउंड के अंदर लटका के रखती हैं, फिर पीछे से इसको जो है रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पर इसको चार रस्सियों को इसको कभी ढीला किया कभी इसको ढीला किया, यानी कि जिस जगह पर आपने कैमरा लेकर जाना है आप बस उसको वहाँ पर लेते जाएं और नीचे जो मोटर्स होती हैं उस हिसाब से कुछ रस्सी को इधर वाली मोटर जो है वो रस्सी को लपेट रही होती है और इधर वाली मोटर जो है रस्सी को खोल रही होती है और आपका जो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो पूरे ग्राउंड के अंदर घूम रहा होता है। वो एक ही टाइम पर नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर इस तरह की और इस तरह की हर किस्म की मूवमेंट जो है वो कर सकता है और उसके नीचे फिर आप लोग जो है कैमरा फिट कर देते हैं तो आपको जो है हर एंगल के ऊपर कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है। और एक चीज इसके अंदर और भी एड ऑन होती है वो ये है कि जब भी आप लोग स्पाइडर कैम को किसी भी स्टेडियम के अंदर यूज करते हैं तो वहां पर नो फ्लाई जोन भी होती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल वहां पर स्कोर बोर्ड होता है या फिर वहां पर बड़े बड़े पोल्स हो सकते हैं, फ्लड लाइट के हो सकते हैं या फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके अंदर जो है आपको कैमरा को टकराने का खतरा हो या फिर किसी चीज़ को लगने का खतरा हो या फिर वो किसी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जाने का खतरा हो जहाँ पर जो है वो चीज़ हमेशा विजिबल रहनी चाहिए, कैमरा के सामने आने की वजह से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, तो उन जगह को नो फ्लाई जोन कहा जाता है। और उनको टैकल करने के लिए सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही सिस्टम के अंदर उस स्टेडियम की तस्वीर डालकर उसके अंदर वर्चुअली बॉक्स बनाकर उसकी जो बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि जो स्पाइडर कैम है ये इन बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। अगर उसको दूर का व्यू लेना है तो जो कैमरा आगे लेंस लगी है उसके जरिए वो जूम करके दूर का व्यू ले, लेकिन वजाते खुद जो पूरा सेटअप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, स्कोर बोर्ड के सामने नहीं आना चाहिए, जो के जो कैमरास जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर लगे हुए यानी कि जो विकेटों के ऊपर विकेट्स के ऊपर जो जूम कर रहा है उसकी लेंस के ऊपर जूम कर रहा है उसकी क्रीज के ऊपर जूम कर रहा है उनके सामने नहीं आना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सामने इस कैमरा को आने की इजाज़त नहीं होती ताकि अगर उन कैमरा को देख कर कोई डिसीजन लेना पड़ता ये ना हो कि थर्ड अंपायर उस कैमरा के एंगल से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हो सामने पर ये स्पाइडर कैमरा लटक रहा हो, तो ऐसा नहीं होता। नो फ्लाई जोन्स यहाँ पर बनाई जाती है और वर्चुअली ये सब कुछ डिजाइन करने के बाद मैच शुरू होने से पहले पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर मैच शुरू होता है और फिर उन बाउंड्रीज के अंदर अंदर ये स्पाइडर कैम वर्क करता है जो इसको पहले से बता दी गई होती है। तो बात करते हैं सेटअप के अंदर जब जो सारी चीजें जो है पूरा का पूरा सेटअप इधर उधर जा रहा है तो हमारे पास वीडियो जो है शेप वाली क्यों नहीं आती, तो उसके अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके अंदर जायरोस्कोपिक जो है स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है जैसे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर होता है। हम लोग बार दफा गेमिंग करते हैं तो हम मोबाइल को ऐसे करते हैं तो गाड़ी मुड़ती है, तो ये जायरोस्कोप सेंसर की वजह से होता है। तो यही जायरोस्कोपिक सेंसर वाले स्टेबलाइजेशन उस पूरे सेटअप के अंदर मौजूद होता है जो कि उस कैमरा के लिए एज अ गिम्बल काम करता है, चाहे आपका ऊपर से जो स्पाइडर कैम ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है लेकिन आपका जो नीचे कैमरा है वो बिल्कुल सीधा रहता है और सीधा रहकर वो आपकी जो फुटेज है उसको ट्रांसमिट करने की सलाहित रखता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है, क्या वायरलेसली वीडियो बनाता है, वायरलेसली सिस्टम तक भेजता है फिर उसको जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है या फिर ये कोई वायर्ड कनेक्शन होता है। तो ये यहाँ पर जितना भी स्पाइडर कैम या फिर स्काई कैम स्पोर्ट्स के अंदर यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा वायर्ड कनेक्शन होता है। अब वायरलेस होगा तो सारी बात है उसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी, उसके अंदर जो है लैग आ सकता है यानी कि अब टाइम लगेगा कि यहाँ से वीडियो पहले लिया फिर उसको वायरलेसली भेजा तो वो सारा एक झंझट है कि आपकी क्वालिटी भी डिक्रीज होती है आपकी फिर रेंज का मसला हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा वायर्ड कनेक्शन होता है। अब जो चार रस्सियां हैं जो केवलर रोप्स हैं जिनके जरिए उस सेटअप को लटकाया गया है ग्राउंड के अंदर
तो उन्हीं में से दो रोप के अंदर ऑप्टिकल फाइबर को लगाया जाता है। उन रस्सियों के अंदर से ही जो है ऑप्टिकल फाइबर आती है दो रोप के अंदर से। अब एक इनपुट के लिए यूज होती है और एक आपकी आउटपुट के लिए यूज होती है। अब इनपुट के अंदर ये होता है कि जितना भी स्पाइडर कैम का पीछे से इनपुट आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि इस तरफ को जाना है, इस तरफ को जाना है, इस तरफ को जाना है। आपका जूम रिंग सेट किए जा रहे होते हैं, उसके बाद जो है कैमरा के अंदर कुछ सेटिंग को यानी कि सेटिंग चेंज किए जा रही होती है। तो सारी की सारी जितनी भी इनपुट कमांड्स होती हैं वो एक जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रही होती है, और दूसरी जो है आपकी दूसरी ऑप्टिकल फाइबर दूसरी रॉप के अंदर उसके अंदर से आपको आउटपुट मिलता है। जो भी वीडियो ट्रांसमिट जो भी वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहा है उसको वाइड कनेक्शन के साथ वो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर से होता हुआ वो उन पायलट के सिस्टम में जाता है और सिस्टम के अंदर से फिर उसको जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो इस तरह से स्पाइडर कैम जो है ये स्पोर्ट्स के अंदर काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आए लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। अगर आपने कोई सवाल है या फिर कोई मशवरा है इन्फॉर्मेशन ओपन नीचे आगे पीछे होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर दे सकते हैं, सुना इसको फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगा नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।